हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर्स है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है उसमें सबसे पहले है ट्रांसफर ऑफ हीट। तो जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हीट जो ट्रांसफर होती है, तो उसके थ्री मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई जब हीट का ट्रांसफर हो, सपोज किया कि ये है, यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है ए पॉइंट से लेकर के, मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं बी सी डी ई और एफ और ये जी है, ए से लेकर जी तक। तो जब यहाँ से ए का हीट, ये जो है पार्टिकल जो है हीट को ट्रांसफर करता है बी में, बी ट्रांसफर करता है सी में, सी ट्रांसफर करता है हीट को डी में, डी ई में, ई को एफ में, एफ क्या करता है जी को हीट ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह का जो ट्रांसफर होता है उसको हम कहते हैं कंडक्शन। कौन सा मेथड कहेंगे? कंडक्शन। दूसरा होता है, सेकंड मेथड जो होता है वो होता है कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन में जैसे पानी को आप वाटर को हीट करते हो, तो पानी को क्या करते हैं, एक कंटेनर में ले लेते हैं, कंटेनर के बाद जो है जब उसको हीट करते हैं तो आप देखते हैं तो उसके सबसे नीचे जो लेवल में वाटर होता है, बॉटम में होता है, वो क्या होता है हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ऊपर आ जाता है। मतलब इस तरह का हीट का ट्रांसफर हो कि ए से जी में आ जाए, ठीक है, ये क्या करे, ये अपने हीट को एब्जॉर्ब करे और हीट ले जाकर के जी को दे दे। तो उस तरह के जब ट्रांसफर होता है हीट का, उसको कहते हैं कन्वेक्शन। थर्ड होता है रेडिएशन। जैसे सन की एनर्जी ट्रांसफर होती है, हम तक पहुंचती है, अर्थ तक पहुंचती है, लेकिन कोई फिजिकल टच नहीं होता, यानी हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट टच, फिजिकल टच, बिना फिजिकल टच के जब हीट का ट्रांसफर होता है, हीटर से जो हीट का ट्रांसफर होता है, इस तरह का जो ट्रांसफर होता है उसको हम कहते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है कि हीट ट्रांसफर होता है, अब उसी में क्या बताया गया उसके बाद है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जब किसी भी बॉडी को हम सराउंडिंग रखते हैं और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, उस कंडीशन में बॉडी धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है। जब बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है तो किस रेट से कम होता है, उसके लिए न्यूटन्स ने एक लॉ दिया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ द रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ मीन टेम्परेचर एंड सराउंडिंग टेम्परेचर। इस तरह से सपोज किया कि मान लेते हैं किसी बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, थीटा वन है, और फाइनल टेम्परेचर कितना है, थीटा टू है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, थीटा वन, और फाइनल टेम्परेचर कितना है, थीटा टू है। इफ थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, जिसमें थीटा वन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, उस केस में रेट ऑफ कूलिंग हो जाएगा थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टी, और यहाँ पर मीन टेम्परेचर होगा थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखेंगे तो ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ मीन टेम्परेचर एंड सराउंडिंग टेम्परेचर। या यहाँ से आप देखते हैं प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आता है, के आता है, तो के थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू माइनस थीटा जीरो, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया। सपोज कि एक न्यूमेरिकल है कि टी इन अ कप, मान लेते एक कप में टी है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 85 डिग्री है और 85 से 75 होने में 10 मिनट का समय लगता है, जबकि 75 से 65 होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको डिटरमाइन करना है। सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। उस केस में सबसे फर्स्ट केस होगा कि थीटा वन कितना है, 85 डिग्री, थीटा टू कितना है, 75 डिग्री, थीटा जीरो कितना है, 30 डिग्री। तो आपने टाइम कितना दिया गया है, 10 मिनट, तो के की वैल्यू फाइंड करना है। जब के की वैल्यू फाइंड करना है तो भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टी विल बी इक्वल के, थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू माइनस थीटा जीरो हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए 85 सबकी वैल्यू पुट कर दिया और इस तरह से के की वैल्यू क्या आती है, 1/50। सबसे फर्स्ट नंबर क्या है, के की वैल्यू आ गई। सेकेंड केस में के की वैल्यू आ गई आपकी कितना, 1/50 है, और थीटा वन की वैल्यू है 75 डिग्री और थीटा टू की वैल्यू है कितना, 65 डिग्री, थीटा सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री। तो टी की वैल्यू फाइंड करना है। फिर से आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज किया और उसमें टी की वैल्यू पुट कर दिया, सॉरी के की वैल्यू पुट किया, और टी का जो रिजल्ट आता है वो आता है 12.5 मिनट। तो कितना टाइम लगता है, 12.5 मिनट में। तो ये आपको पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा उसमें बताएंगे स्टीफेंस लॉ ऑफ कूलिंग। थैंक यू।